हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? आर यू फाइन? वेरी गुड, आई एम ऑल्सो फाइन। अगले पीरियड में हमने क्या देखा था? फर्स्ट पेज पे हमें टॉकिंग अबाउट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जो हमें बातें अच्छी लगती है और नहीं लगती है उसके बारे में। हमारे कोई भी पेज में, वन बाय वन पेज पे क्या आता है, टेबल आता है, उसमें साइलेंट वर्ड्स, साउंडिंग वर्ड्स दिए जाते हैं, राइट? तो लिसन एंड पुट टिक राइट अगेंस्ट द वर्ड यू हैर इन ईच पेयर। यहाँ कहा गया है कि अगर आपने जो भी वर्ड सुने हैं उस पर क्या करना है, राइट करना है, और जो भी वर्ड नहीं सुने हैं उस पर क्या करना है, कुछ भी नहीं करने का है। क्या करना है, उस वैसे का वैसा ही बॉक्स रख देना है, अंडरस्टैंड? यहाँ लिखा है कार एंड केयर, तो आपने दोनों ही सुना है, आपको पता है कार का मतलब क्या होता है एंड केयर का मीनिंग भी क्या होता है। तो आप क्या करोगे, दोनों पे क्या करोगे, राइट करोगे। उसके बाद है बार एंड बियर, फेयर एंड फेयर, स्टार एंड स्टेयर, टार एंड टावर। तो ये सब फिफ्थ सेंटेंस हैं, तो उस पे आपने जो सुने हैं उस पे आप राइट करोगे, जो नहीं सुने हैं उस पे आप क्या करोगे, यस, बॉक्स का वहीं का रख दोगे। स्पीक राइट, लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रिपीट देम। ऐसी स्टेम, स्टार, स्टार्ट, स्टेट, स्टीम, स्टील, स्टील, स्टेम, स्ट्रीक, स्टील, स्टर्न, स्टूड, स्टूल, स्टॉप, स्ट्रॉम, स्टव, स्ट्रीट, स्टाइल, स्टॉप एंड स्टार्ट, स्ट्रीट स्टाइल, स्टैंड स्टील। तो यहाँ देखा किस पे ज़्यादा भार लगता है, जोर लगता है, एस टी पे, क्योंकि उसका स्टेम पीछे के सब वर्ड्स हैं, लेटर हैं, वो हम उस पर अच्छे से इतने जोर नहीं देते, बट फर्स्ट हमें बोलते हैं तब से क्या होता है, स्टेम, स्टार, स्टार्ट, स्टेट। तो ये एस टी है, वो एस टी से स्टार्ट होते वर्ड्स कैसे बोले जाते हैं उसके बारे में आपको क्या करना है, रिविजन करना है। उसके बाद ही स्टूड अप व्हेन द स्टॉर्म स्टॉप, एस के, स्केल, स्कार, स्क्राफ, स्कूल, स्कूटर, स्कोर, स्क्रैप, स्कूल, स्केट, स्कीन, स्कीप एंड स्काई। तो यहाँ आपने कुछ नोट किया, एस के बाद सी है, फिर भी उसका उच्चार कैसे किया जाता है, आपको पता है सी के बोला जाता है, सी के बदले। तो स्केल, स्कार, स्क्राफ, स्कोल्ड, स्कूटर, स्कोर, स्क्रैप, स्कूल, स्केट, स्कीन, स्कीप, स्काई। तो ये दोनों टेबल आपको किस में लिखने के हैं, यस, किस में लिखने के हैं, आपकी इकोज की नोटबुक में। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, स्टॉप स्केटिंग एंड स्टार्ट स्कीपिंग, स्टॉप स्क्रैमिंग, सी गुड स्क्रेट एंड रन ऑफ द स्टार्स। सो नेक्स्ट पेज इज लिसन एंड मार्क, लिसन एंड पुट अ टिक अगेंस्ट द वर्ड्स यू आर हेयर इन इच फियर। स्टार, स्केर, स्टेट, स्केट, स्टेर, स्केर, स्टील, स्किल, स्टेप, स्क्रैप, स्ट्रीम, स्क्रीम, स्टूल, स्कूल, स्टोर, स्कोर। तो ये वर्ड्स हैं जो, वो वर्ड्स आपको दोनों में डिफरेंट दिया गया है, यानी एस टी के स्टार्ट होते हैं और एस सी के स्टार्ट होते हैं, एस सी के स्टार्ट होते हैं बट कैसे कैसे बोला जाता है, राइट ना? तो आपने जो भी वर्ड्स सुने हैं उस पर आप क्या करोगे, राइट करोगे। देखो स्टार एंड स्केयर, तो ये दोनों वर्ड्स आपने सुने ही होंगे, तो आप क्या करोगे, राइट करोगे। स्टेट एंड स्केट, तो ये दोनों वर्ड्स भी आपने सुने होंगे, तो उस पर आप राइट करोगे। अगर नहीं सुने तो जो स्टेट तो सुना है, स्टेट यानी हाँ, तो उस पर आप राइट करोगे। अगर स्केट नहीं सुना है तो उस पर आप वही का वही बॉक्स रख दोगे। स्पीक राइट, लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रिपीट देम ऑल द वर्ड्स बिलो इन टी साउंड। ये साउंड टी से कैसे बोला जाता है, ब्रेक्ट, क्लिक्ड, क्लिप्ड, डांस्ड, ड्रेसेड, फिक्स्ड, किक्ड, लिक्ड, लॉकेट, पैकेट, पिक्ड एंड स्टॉपेड। तो यहाँ आपने देखा कि टी का साउंड कैसे बोला जाता है, ब्रेक्ट, यहाँ लिखा नहीं है फिर भी हम बोलते हैं ब्रेक्ट, तो आप क्लिक्ड, तो यहाँ क्लिक्ड बोला जाता है, राइट? तो एस टी का साउंड कैसे बोला जाता है इसके यहाँ बारे में आपको बताया गया है। तो ये भी बॉक्स आप कहाँ लिखोगे, यस, किस में लिखोगे, आपकी जो रफ नॉट इकोज की बुक है उसमें लिखोगे। ही
kicked the look door. They stopped and picked up some fruits for the street. Listen and repeat. Listen to the following sentence. Repeat them string and syllables in the vault. So, yeah, do you like it? Are you happy? Do you want some? Are you coming? Is she okay? Is he sleeping? तो यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया. डू यू लाइक इट, आर यू हैप्पी. आपको क्वेश्चन कैसे बोला जाता है उसके बारे में भी सुनना है. देखो मैं क्वेश्चन कैसे बोल रही हूँ. आर यू कमिंग, आर यू हैप्पी, इज ही स्लीपिंग. तो ये सब वर्ड्स हैं. आपको क्वेश्चन मार्क कैसे बोला जाता है यानी स्पीक किया जाता है. और इसके सब के आंसर आपको बुक में लिखना है. ओके आप कोई भी लिख सकते हो. डू यू लाइक, तो आप लिख सकते हो लाइक इट फ्रूट्स, लाइक इट वेजिटेबल्स, या आपके उसमें भी फेवरेट कोई चीज़ हो तो वो आप लिख सकते हो. कलर्स अनदर, कई सारी थिंग्स होती हैं उसके बारे में आप लिख सकते हो. ये 6 सेंटेंस आप ऐसे कंप्लीट करोगे. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके सो नेक्स्ट नाउ लुक एट एंड स्पीक. लुक एट द टू पिक्चर गिवन बिलो. Find 6 different between them and talking about them. Make notes on lines below in the picture. तो यहाँ आपको picture दिए गए हैं. तो picture में आपको क्या different देखना है कि दोनों picture में कौन सा different है. First follow कि यहाँ एक library का picture है. तो first मैं इसकी आपको picture के बारे में थोड़ी information दे देती हूँ, उसके बाद आप देख लेना, ठीक है. This is a library. Here are two pictures. They are all 5 people. The library is large. Fold all the books. तो यहाँ आपको क्या दिया गया है कि दो libraries के picture दिए गए हैं. उसमें बहुत सारी books हैं, but books सब fold की यानी अच्छे से रखी हुई हैं कबर्ट में. और यहाँ वन पिक्चर में 5 एंड सेकेंड पिक्चर में 5 लोग हैं. तो यहाँ आप देख सकते हो कि दोनों पिक्चर में क्या डिफरेंट है उसके बारे में लिखना है. मैंने यहाँ पेंसिल से 2 सेंटेंस लिखे हैं, बट को आपको 6 सेंटेंस आपको लिखना है. द बुक इज ओपन इन फर्स्ट पिक्चर, बट द बुक डज नॉट ओपन इन द सेकंड पिक्चर. आई एम राइट. द बुक इज ओपन इन फर्स्ट पिक्चर, बट द बुक does not open in the second picture. वो second picture में book open नहीं है. तो उसी तरह चश्मा के बारे में और उसी तरह इस girls के क्या उसके dress के बारे में, color dress के color के बारे में, उसके बाद दोनों library में label है कि नहीं है, silence please, दोनों fan के बारे में है, fan है कि नहीं है. okay तो ये सब बहुत सारे पिक्चर में, दोनों पिक्चर में बहुत सारे डिफरेंट है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ कितने लिखने हैं, 6 पिक्चर के डिफरेंट लिखने, 6 डिफरेंट लिखने के हैं. तो मैंने 2 लिखे हैं, उसी तरह आपको क्या लिखना है, कंप्लीट करना है. ओके नेक्स्ट. लिसन कलर एंड राइट. लिसन टू द कन्वर्सेशन एंड कलर द पिक्चर. ऑल्सो राइट डाउन वॉट आर यू आस्क्ड विद इन द पिक्चर. आपको क्या करना है, पिक्चर में ड्रॉ करना है और पिक्चर के बारे में लिखना है. देखो मैंने एक कहानी बना देती हूँ आपको, उसी तरह आपको लिखना है. ओके यानी एक एलिफेंट होता है, वो कहाँ है, यस पॉन्ड यानी तालाब में खड़ा है. उसके सूंड पे कौन बैठा है, हाथी बैठा है. तो आपको इसी तरह इंग्लिश के 5 सेंटेंस आपको लिखने हैं. कितने ट्रीज हैं, यहाँ पूछा था हवारी ट्रीज, सॉरी ट्रीज कितने हैं, मैन कितने हैं, डॉग कितने हैं, पपीज कितने हैं, सॉरी फीस कितने हैं. तो उसके बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हो और नीचे आंसर लिखना है. ओके अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सो आपका यहाँ 5th चैप्टर इज कम्प्लीट. ओके बाय एंड टेक केयर.